गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हाउ आई मसाज माय फेस। मसाज काफ़ी जरूरी होती है अगर आपको चाहिए एक यूथफुल स्किन जिसमें बिल्कुल भी रिंकल ना हो, फाइन लाइंस ना हो, जिसमें डार्क सर्कल ना हो, माउथ के एरिया के आसपास ब्लैक स्पॉट्स ना हो, ब्लैक लाइंस ना हो। आप जस्ट इस सिंपल मोशंस को फॉलो करें, आपको मिलेगी एक यूथफुल स्किन और काफ़ी सही होने वाली है आपकी स्किन। मैं आज फेस मसाज के लिए जिस ऑयल का यूज़ कर रही हूँ वो आपके घर पे काफ़ी इजीली अवेलेबल होगा। हर मम्मी लगाती है नारियल का तेल, पैरासूट कोकोनट ऑयल, सो काफ़ी इजीली आपके पास अवेलेबल होने वाला है। तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन काफ़ी सही लग रही है आफ्टर फेस मसाज। इस मसाज के बहुत से बेनिफिट्स तो मैंने अभी शेयर कर दिए हैं, साथ साथ आपको फेस मसाज करते करते भी मैं उसके बेनिफिट्स शेयर करूँगी और सारे मोशंस भी बताऊँगी, आपको इजीली तरीके से बताऊँगी कैसे कर सकते हैं और आप कैसे याद रख सकते हैं उन मोशंस को, ये भी बताऊँगी। सो जर टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ आई मसाज माई फेस, स्टार्ट करते हैं फेस मसाज करना। सो फर्स्ट मैं यूज़ करूँगी गुड वाइब्स टोनर। ओके, और इसे मैं अपने फेस पे अच्छी तरीके से पेनेट्रेट होने दूंगी। टोनर से हमारे पोर्स ओपन हो जाएंगे, जिसके बाद जब हम कोई भी मसाज ऑयल अपने फेस में अप्लाई करेंगे सो वो हमारे फेस में अच्छे तरीके से पेनेट्रेट हो पाएंगे और हमें देंगे बेस्ट बेनिफिट्स। मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन एंड नाइट स्किन केयर रूटीन में टोनर लगाते हैं वैसे ही लगाना है और इसे हम अब सूखने देंगे अच्छे तरीके से। ओके, आपको जस्ट लाइक दिस डैब करना है अपने फेस पे से। डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप क्लीन फेस पे ही फेस मसाज करें, आप पहले फेस वॉश करें देन आप टोनर लगाएं और देन करें फेस मसाज। फेस पे अच्छी तरीके से टोनर पेनेट्रेट हो चुका है और अब मैं यूज़ करूँगी पैराशूट कोकोनट ऑयल। ये है 100% कोकोनट ऑयल। ओके, सो इसी से आज मैं आपको शेयर करूँगी कि मैं कैसे करती हूँ अपने फेस को मसाज। ओके, अगर आप हैं फेस मसाज में बिगिनर तो मैं आपको 3 मोशन शेयर कर देती हूँ, मोशन से आप काफ़ी इजी तरीके से अपने पूरे फेस प्लस नेक की मसाज कर सकते हैं। ओके, सो मैं आपको 3 मोशन शेयर करती हूँ। आपको फेस मसाज ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में करना है और जस्ट लाइक दिस। ओके, ये है फर्स्ट मोशन, ऑलवेज अपवर्ड करें फेस मसाज। ओके, सेकेंड मोशन इज आपको ऑलवेज फेस मसाज को करना है आउटसाइड मोशन में। ओके, इसी तरीके से आपको करना है। थर्ड मोशन जो आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ उससे आपकी पूरी फेस मसाज काफ़ी इजली हो जाएगी और आपको किसी भी मोशन को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है सर्कुलर मोशन, आप सर्कुलर मोशन से अपने पूरे फेस को कर सकते हैं काफ़ी इजली मसाज। फेस मसाज से आप काफ़ी इजीली अपने फेस को ब्राइटनिंग कर सकते हैं, अपने फाइन लाइन से छुटकारा पा सकते हैं, आप अपने रिंकल से छुटकारा पा सकते हैं, जो आईज के नीचे लाइंस हो जाती है उससे भी छुटकारा पा सकते हैं और आपके डार्क स्पॉट से भी आप काफ़ी इजीली छुटकारा पा सकते हैं। ओके, सो मैं अपने पाम पे लूँगी इस मसाज ऑयल को एंड देन मैं इसे रब करूँगी जिससे ये अच्छे से हीट हो जाएगा, ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा और देन मैं अपने हैंड को ऊपर डायरेक्शन में नेक में स्टार्ट करूँगी मसाज करना। फर्स्ट हम हमारे गले से स्टार्ट करेंगे मसाज करना। मैं इस मसाज ऑयल को फिर रब करूँगी देन मैं अपने नेक के साइड कॉर्नर इसे गले से ले जाते हुए अपने कान के पीछे थोड़ा देर रुकूँगी देन मैं इसे नीचे पार्ट में ले आऊँगी वापस। मैं फिर लूँगी इस मसाज ऑयल को देन रब करूँगी और अब मैं करूँगी अपने चीक्स में मसाज। सो मैं सर्कुलर मोशन में कर रही हूँ इस वक्त मसाज, आप देख सकते हैं हमें आउटवर्ड डायरेक्शन में मसाज करना है। अब हम अपवर्ड डायरेक्शन में करेंगे। ओके, सो इस तरीके से हम अपवर्ड डायरेक्शन में करेंगे हमारे फेस मसाज को। आपको हर मोशन को 10-15 टाइम्स करना है बेस्ट रिजल्ट के लिए। अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया और सर्कुलर मोशन में हो गया, अब हम आउटवर्ड डायरेक्शन में करते हैं। सो इस तरीके से करेंगे हम। ओके, और इसे यहाँ पे रोक देना है हमें एरिया के आसपास जहाँ पे हो जाते हैं डार्क स्पॉट या फिर फाइन लाइंस, उस एरिया पे करेंगे फेस मसाज। ओके, आप कर सकते हैं इस मोशन में
अदर विश आप कर सकते हैं इस तरीके से। ओके सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हो रहा है सर्कुलर। ओके अपने फेस को आप काफी ढीला छोड़ना है, टाइट ना रखें। ओके आपके स्किन को ब्राइटनिंग करने में काफ़ी हेल्प करता है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल का यूज़ किया है। जो आपके माउथ के आसपास के एरिया में कालापन हो जाता है उससे आपको काफ़ी इजीली दीदी का छुटकारा। माउथ के आसपास के लाइन को रिड्यूस करने के लिए मैं यहाँ पे लूँगी रिंग फिंगर और देन छोटे छोटे सर्कल बना के उस लाइन पे मैं जस्ट सर्कुलर मोशन करूँगी यहाँ पे। ओके इससे आपके जो लाइन्स होंगे, जो फाइन लाइन्स हो जाते हैं माउथ के एरिया के आसपास, वो रिड्यूस हो जाएंगे। अब हम करेंगे नोज़ में फेस मसाज। ओके सो मैंने यहाँ पे फर्स्ट फिंगर लिया है मेरा और देन मैं कर रही हूँ फेस मसाज। आप देख सकते हैं इसी तरीके से करना है आपको भी। क्योंकि आप कॉन्टूरिंग जब करते हैं सो इस साइड ब्लैक लगाते हैं एंड इस साइड हाइलाइटर लगाते हैं। ओके सो इसी तरीके से हम करेंगे फेस मसाज, काफ़ी ईजी है। ओके जस्ट लाइक दिस, आपको हार्श नहीं होना है अपने फेस पे, काफ़ी जेंटल तरीके से करना है इस फेस मसाज को। ओके इसी तरीके से आपको करना है 10-15 टाइम्स। ओके आपको दर्द नहीं होना चाहिए इस वक्त। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आपको जस्ट सर्कुलर मोशन में फेस मसाज करना है, तो इसी तरीके से हम आईज में फेस मसाज करेंगे। आपको हमारे जो ये आर्च होता है उस पार्ट में जस्ट लाइक दिस हैंड को रखना है और एक सपोर्ट देना है नीचे पार्ट में एंड देन आर्च साइड में अपने हाथ को रखना है। आपको यूज़ करना है रिंग फिंगर का ऑलवेज। ओके देन आर्च में हाथ रखना है और जस्ट लाइक दिस। ओके मसल्स होते हैं उसी डायरेक्शन में हमें करना है फेस मसाज। इससे आपके डार्क सर्कल काफ़ी इजिली रिमूव हो जाएंगे, आपको फाइन लाइन से छुटकारा मिल जाएगा और फर्स्ट आईज में ही आपको थकावट नज़र आती है। सो अगर आपकी आईज हेल्दी दिखेगी तभी तो आप हेल्दी करोगे। ओके सो इसी तरीके से आपको आईज मसाज करना है, आईब्रो से स्टार्ट करके इस आर्च से स्टार्ट करके जस्ट लाइक दिस। और अब आते हैं हम इस पार्ट में। ओके जस्ट लाइक दिस, आपको प्रेशर नहीं करना है, हल्के हाथों से करना है ऑलवेज मसाज। हमारे रिंग फिंगर से लगता है सबसे नाजुक प्रेशर। मैं एक बार फिर से इसी कान कह रही हूँ कि आप रिंग फिंगर से ही अपने आईज में करें फेस मसाज। और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि रिंग फिंगर से ही करें फेस मसाज, छोटा छोटा सर्कुलर मोशन लेके, क्योंकि यहाँ पे भी होता है सबसे ज़्यादा लाइंस। ओके सो इसी तरीके से आपको फेस मसाज करना है आईज में। आईब्रो की मसाज करना काफ़ी इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको जस्ट अपने थंब को रखना है इस पार्ट में। ओके और देन आपको इस पार्ट को जस्ट लाइक दिस एंड आपको प्रेस करना है इसे, आपको हल्के हाथों से प्रेस करना है। ओके इसे और आपको जाना है आउटवर्ड डायरेक्शन में। आउटवर्ड डायरेक्शन हर जगह यूज़ होता है, जस्ट आपको आईस में आउटवर्ड डायरेक्शन यूज़ नहीं होता है। तो इसी तरीके से मैं अपने आईज के ऊपर आईब्रो में करूँगी मेरा फेस मसाज। इसके अलावा एक और बताती हूँ आपको, इस तरीके से आपको जस्ट लाइक दिस, इससे आपका सारा स्ट्रेस है वो चले जाएगा। आप ये सोचिए कि आपका सारा स्ट्रेस चले जा रहा है बाहर, जस्ट लाइक दिस। ओके 5-10 टाइम्स आप कर सकते हैं इसे भी। के माइंड में होता है स्ट्रेस, दैट्स वाई आपको नींद नहीं आती है। और अगर आप आईब्रो में अच्छे तरीके से मसाज करेंगे सो आपको आएगी अच्छी नींद, दैट्स वाई आप नाइट में ही फेस मसाज करेंगे। ओके सो फर्स्ट हम टेंपल पे करेंगे अपना मसाज, जस्ट लाइक दिस। आपको सर्कुलर मोशन में करना है, इससे भी आपका स्ट्रेस काफ़ी अच्छी तरीके से चला जाएगा और आपको आएगी अच्छी नींद। ओके इसी तरीके से आपको 10-20 टाइम्स करना है इस साइड में मसाज। पूरे इस पार्ट का मसाज कर लिया है, अब हम आते हैं फोरहेड पे। ओके आपको जस्ट अपने फर्स्ट 3 फिंगर लेने हैं एंड दिस। ओके आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको ऊपर लेना है एंड देन जस्ट लाइक दिस, ऊपर एंड देन ऊपर।
आपके कुछ लोगों के इस साइड आता है लाइन, ओके आपको मैं दिखाती हूँ, मेरे भी आता है, ओके हल्का फुल्का लाइन आता है मेरे इस साइड। आपको जस्ट लाइक दिस ऊपर एरिया में करना है फोरहेड मसाज, ओके कुछ लोगों के इस आईब्रो के बीच पार्ट में भी लाइन्स आता है, सो बीच पार्ट में लाइन सीधी आती है तरीके से, ओके सो ये भी हो गया। आपको ऑलवेज लाइन के डिफरेंट डायरेक्शन में फेस मसाज करना है, जैसे सीधी लाइन है सो आपको इस तरीके से करना है, और अगर हॉरिजेंटल लाइन है सो आपको स्ट्रेट मसाज करना है। लाइन को रिड्यूस करने के लिए आप इस तरीके से भी फेस मसाज कर सकते हैं, ओके सो यहाँ पे आईब्रो का मसाज हो गया। अब मैं माउथ के आसपास के एरिया में मसाज कर रही हूँ, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब मैं अपने फेस को अगेन करूँगी डैप। आप देख सकते हैं इससे ये पूरा फेस मसाज ऑयल आपके फेस पे हो जाएगा पेनेट्रेट और आपको देगा बेस्ट बेनिफिट। आप देख सकते हैं मेरा फेस मसाज हो चुका है पूरी तरीके से और मेरा स्किन लग रहा है काफ़ी ग्लोइंग आफ्टर मसाज। सो आप देख सकते हैं आफ्टर मसाजिंग माई फेस मेरा फेस कितना सही लग रहा है, और मुझे आई थी एक अच्छी वाली नींद क्योंकि मैंने दिन में फेस मसाज किया था बिकॉज आपको वीडियो शो करना था मुझे, सो मुझे नींद की ज़रूरत नहीं थी। बट मुझे पता नहीं फेस मसाज के बाद क्यों इतनी अच्छी नींद आती है, मैं सो गई देन मैं उठी और मैं आफ्टर आपके साथ जस्ट अपने लिप्स में लगाई है एक न्यूड लिपस्टिक, ओके सो इससे मेरी स्किन काफ़ी ग्लोइंग लगेगी, दैट्स वाई मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, दैट्स वाई मैंने लगाया है, ओके सो आप देख सकते हैं काफ़ी सही मेरा फेस लग रहा है आफ्टर मसाजिंग माई फेस। मैंने जस्ट वॉश किया अपने फेस को। आपको फेस मसाज के बाद अपने फेस में उस ऑयल को ओवरनाइट रख सकते हैं या फिर 1 to 2 hours के लिए काफ़ी इजीली रख सकते हैं, ओके सो इससे आपकी स्किन ब्राइटनिंग में प्लस ग्लोइंग बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये मसाज ऑयल। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और प्लस मेरी बातों ने और भी लंबा खींच दिया है, ओके लास्टली एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर ये वीडियो आपके लिए जरा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को करें लाइक, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और शेयर करें अपने ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर तक। सो लव यू ऑल, बाय।